लगता है आज ओएमजी पर कोई धांसू आर्टिस्ट आया है। आड़ी टेढ़ी लकीरें, उल्टे सीधे पैटर्न्स, क्या बना रहे हो सर जी? किसी के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। अरे ये क्या उठा लाए? ओएमजी, ये तो इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की पेंटिंग है। मतलब मैंने जिसे समझा बेकार, वो निकला खुफिया कलाकार। ये है इंडिया के ऐसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग जादुई कलाकार जिनका आर्ट वर्क अच्छे अच्छों के दिल दिमाग का फ्यूज हिला देता है। और इनकी अमेजिंग क्रिएशंस मुझे ले आई हैं त्रिशूर, केरला। मेरा नाम विंसेंट पलिसरी है और मैं इल्यूजनिस्टिक पेंटिंग्स बनाता हूँ। मेरी सबसे पॉपुलर एनामॉर्फिक पेंटिंग है एपीजे अब्दुल कलाम, गांधी जी और मैराडोना। आप सोच रहे होंगे कि ये एनामॉर्फिक आर्ट आखिर होता क्या है, तो सुनिए। दरअसल एनामॉर्फिक आर्ट एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसमें शुरुआत में पेंटिंग चारों तरफ से डिस्टॉर्टेड लगती है और एक रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट पर सही एंगल से देखने पर ही पूरी तरह प्रॉपरली रिवील होती है। पेंटिंग के इस अतरंगी टेक्निक की शुरुआत 15 सेंचुरी में हुई थी और इसका सबसे पुराना रेफरेंस लियोनार्डो डा विंची के एक ऐसे स्केच में मिलता है जो एक एंगल से पॉन्ड और दूसरे एंगल से आंख की तरह नजर आता है। लेकिन एक 2D इमेज को दिमाग में इस तरह इमेजिन करना कि वो रिफ्लेक्टिव सरफेस पर ही रिवील हो, ये टेक्निक तो वाकई ओएमजी है सर जी। और भैया, इसके लिए सिर्फ क्रिएटिविटी का कीड़ा ही नहीं, साइंस और मैथ्स की नॉलेज भी चाहिए। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और इक्वेशंस के प्रिंसिपल्स यूज करके ये बनाए जाते हैं। फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एक सिलिंड्रिकल मिरर सेंटर में रखा जाता है। यही नहीं, आर्ट को रिवील करने वाले रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सिलेंडर्स और कोन्स का साइज भी सही प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तब कहीं जाकर क्रिएट होता है एक परफेक्ट इल्यूजन। और ऐसे 100 से भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग इल्यूजन्स बनाकर विंसेंट जी ने जीता है यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम का एशियन रिकॉर्ड। यही नहीं, पेपर के अलावा विंसेंट जी वुड कार्विंग से भी माइंड ब्लोइंग एनामॉर्फिक आर्ट क्रिएट करते हैं और पिन एंड थ्रेड जैसे कॉम्प्लेक्स आर्ट फॉर्म से भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। मैंने लार्जेस्ट पिन एंड थ्रेड 7.54 स्क्वायर मीटर मदर टेरेसा पोर्ट्रेट बनाया जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। इस अनोखी आर्ट में चार अलग अलग शेड्स के धागों को एक स्पेशल एंगुलर रिदम फॉलो करते हुए कीलों पर क्लॉकवाइज घुमाया जाता है और पैटर्न्स क्रिएट किए जाते हैं। विंसेंट जी एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने नजरों को धोखा देने वाले आर्ट पर नजर टिकाई और अपनी इमेजिनेशन को इल्यूजन का रूप देने के लिए ओएमजी लेवल की मास्टरी हासिल कर डाली। इन्होंने अपनी हर क्रिएशन को इतनी शिद्दत से तराशा है कि पूरी कायनात ने इनके बनाए करिश्मे को सराहा है और इस बेहद यूनिक आर्टिस्ट को ओएमजी सलाम करता है।